तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, ऑलरेडी हमने पावर प्लांट में थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ लिया है, अब हम न्यूक्लियर के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि न्यूक्लियर में बेसिकली एक अलग सा प्रोसेस हो रहा है, तो वो प्रोसेस है कौन सा। ठीक है, तो न्यूक्लियर में जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको कहते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन जो है वो इसमें प्रोसेस हो रही होती है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर हीट लिबरेट हो रही होती है, जनरेट हो रही होती है, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे टू हीट आर वाटर, टू कन्वर्ट इट इन स्टीम। ठीक है, इन स्टीम बनाने के लिए हम इस हीट का ही यूज़ करेंगे। तो चेन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, फिशन रिएक्शन होती है। फिशन मीन्स टूटना। ठीक है, क्या टूट रहा होता है, जैसे यहाँ पर फ्यूल में इस्तेमाल होता है, आपका यूज़ होता है यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238 एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं। जब इस पर कोई भी न्यूट्रॉन आकर के गिर रहा होता है तो ये अगेन स्प्लिट होता है दो स्मॉलर सब एटम्स में। ठीक है, वो आपके प्लूटोनियम भी हो सकते हैं, क्रिप्टन, कई केसेस, कई पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। यानी कि यूरेनियम जो एक बड़ा एटम था वो अपने छोटे दो सब एटम्स में आकर के टूटा, इंक्लूडिंग, और इसके साथ आपके कुछ और न्यूट्रॉन्स भी आपके जनरेट होते हैं, एक्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कुछ एक्स्ट्रा, जो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन गिर रहा था यहाँ पे और न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, प्लस ढेर सारी हीट बनेगी, बहुत एक्सेसिव हीट जनरेट होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं यही हीट जो जनरेट होती है वो किस पर्पस से या कैसे हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर। अब रिएक्टर क्या होता है, जो रिएक्टर होता है वही मेन आपका सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, किसमें, टू जनरेट हीट। ठीक है, वो कैसे होती है यहाँ पर देखते हैं, ये रिएक्टर का डायग्राम है। ठीक है, ये रिएक्टर इस तरीके का टिपिकली लुक होता है रिएक्टर का। रिएक्टर में होता कुछ नहीं है, ये आपका कॉन्क्रीट शील्डिंग के अंदर होता है पहले तो, क्योंकि हमको भी पता है कि यहाँ अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं जब कोई रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है, और ये काफ़ी डेंजरस रेज होती हैं। तो इससे बचने के लिए एक कंसील्ड चैम्बर हम बनाते हैं, जो कि कॉन्क्रीट का चैम्बर होता है। तो रिएक्टर कुछ इस तरीके का लगता है, एक कंसील्ड चैम्बर हो गया, उसके बाद फिर एक आपका मेटेलिक चैम्बर होगा, काफ़ी हैवी शीत का होता है, फिर उसके अंदर आपका मॉडरेटर भरा होगा। मॉडरेटर मतलब कि सबसे पहले आप मॉडरेटर से पहले ये समझते हैं, ये जो रेड वाला आप पोर्शन देख रहे हो रॉड्स जैसा, ठीक है, ये होती हैं फ्यूल रॉड्स या फ्यूल एलिमेंट्स। ठीक, ये फ्यूल एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ नहीं, यही होते हैं आपके U235 या U238। तो यहाँ पर हमने फ्यूल रॉड्स का इस्तेमाल किया, किस लिए, इसी चेन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल है आपका न्यूक्लियर फ्यूल, वो U35 या U238 कुछ केस में प्लूटोनियम या थोरियम भी हम यूज़ करते हैं, बट बेसिकली और मेजरली यूज यही दोनों है। ठीक है, तो ये रेड वाला जो मैंने शो किया है, ये फ्यूल रॉड्स हो गई आपकी, ये नंबर्स में, कई नंबर्स में होती हैं, ये तो बड़ी कम दिखा रहे हैं, बट ये 1000 प्लस भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रिएक्टर। जितना बड़ा रिएक्टर होगा, जितनी ज़्यादा आपकी पावर रिक्वायरमेंट होगी या जितना बड़ा पावर जनरेटिंग रिएक्टर होगा, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर फ्यूल रॉड्स होंगी, जिनकी की थिकनेस, जो ये थिकनेस है, जो ये रॉड होगी, इसकी जो थिकनेस होगी, या इसको डायमीटर इसका कह देंगे, ये सिलेंड्रिकल रॉड होती हैं इस मार्कर की तरह, और इनकी मैक्सिमम जो डायमीटर होती है वो 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस होती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये ग्रीन वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग रॉड्स या कंट्रोलिंग बार्स कहते हैं, ये बेसिकली कंट्रोल करने का काम आता है, वही जो एक्सेसिव न्यूट्रॉन जनरेट हुए हैं, अब ये वापस से जाकर के यूरेनियम के साथ रिएक्शन करेंगे और चेन रिएक्शन होती चली जाएगी, ये विगरस होती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा होने लगेगी, बहुत ज़्यादा होने लगेगी, तो ये एटम बॉम्ब बन जाएगा। ठीक है, एटम बॉम्ब में यही रिएक्शन, चेन रिएक्शन ही बहुत विगरसली होती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, तो वो एटम बॉम्ब बन जाता है और उसमें विस्फोट होता है, वो फट जाता है। ठीक है, बट रिएक्टर को हमको ऐसा नहीं होने देना, उसके लिए हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यही जो एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स हैं, ये कंट्रोलिंग बार्स या कंट्रोलिंग रॉड के थ्रू ये ऊपर और नीचे हो सकती है, अकॉर्डिंग टू आर नीड, अकॉर्डिंग टू हाउ मच अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स वी हैव टू टेक, या कितने यूज़ करने हैं न्यूट्रॉन्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंट्रोलिंग बार्स को हम ऊपर या नीचे करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी न्यूट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे वो आकर के यहाँ पर अट्रैक्ट होकर के इससे चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंट्रोलिंग
कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स की। ठीक, फ्यूल्स रॉड का समझ में आ गया कि इसका क्या काम था, चेन रिएक्शन का, कंट्रोलिंग रॉड्स का क्या काम था आपका न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने का। फिर हम बात करते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर एज अ नेम सजेस्ट, मॉडरेट, मॉडरेट करना, स्पीड को मॉडरेट करना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। मॉडरेटर में हम दो तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, कभी कभी हम कुछ रॉड्स यूज़ करते हैं मॉडरेटर में, और कभी हम कुछ लिक्विड यूज़ करते हैं। बेसिकली काम यह है कि ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि जब चेन रिएक्शन होती है तो जो न्यूट्रॉन निकलते हैं खूब स्पीड में निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पीड होने के कारण अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो सकती है, तो उसको एक स्टेप और यानी कि उसको स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मॉडरेटर का यूज़ किया हम, तो मॉडरेटर दो तरीके के हम बेसिकली यूज़ करते हैं। पहला तो हम वाटर यूज़ कर लेते हैं, सिंपल वाटर बहुत अच्छा मॉडरेटर होता है। ठीक, दूसरा हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, सॉलिड ग्रेफाइट या ग्रेफाइट रॉड्स, हम इन दोनों को एज अ मॉडरेटर यूज़ करते हैं। वाटर में भी हम नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं H2O, या हम हैवी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं D2O, इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ा और आपका स्लो डाउन करने का काम करता है। तो बेसिकली D2O या ग्रेफाइट में से ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो मैंने बनाया है, यहाँ पे अभी तो मैंने रॉड बना दी है, पहले बिना रॉड के बनाया था, तो नॉर्मली ये जो आप देख रहे थे इसमें जो फिलिंग थी, या ये टोटल जो चैम्बर था, जो लिक्विड मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ था, वो मॉडरेटर था D2O। ठीक है, तो D2O अब क्या होता है, जैसे न्यूट्रॉन आपका यहाँ से चला, ठीक, रास्ते में उसको ढेर सारे D2O दिखेंगे, मॉलिक्यूल्स D2O के बहुत सारे दिखेंगे इधर उधर, तो क्या होगा, जब ये न्यूट्रॉन चलेगा तो इससे टकराएगा। पहले तो अपनी स्पीड में जा रहा है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं वहाँ पर, जैसे ही इससे टकराएगा इसकी स्पीड थोड़ी स्लो डाउन होगी और स्लो डाउन होगी और स्लो डाउन होगी और स्लो डाउन होगी, इस तरीके से जाते जाते बहुत स्लो स्पीड से जाएगा। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की स्पीड को भी कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर। ठीक है, ये हो गया बेसिक आइडिया हमारा रिएक्टर का, और इस तरीके से रिएक्टर काम करता है। जब बहुत एक्सेसिव हो जाता है रिएक्शन, तो हम कंट्रोल रॉड्स को और अंदर डीप इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी हेल्प से न्यूट्रॉन्स आपके और कंट्रोल में आ सकते हैं। अब इतना हमने देख लिया, इसके बाद अब हम समझते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बना हुआ है, ये हीट एक्सचेंजर है। अब यहाँ पर जो हीट जनरेट हुई थी, यहाँ रिएक्शन करने पर जो हीट जनरेट हुई थी, यूरेनियम के रिएक्शन करने पर, चेन रिएक्शन करने पर जो हीट जनरेट हुई थी, उसको ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र हमें पता है, रेडिएटर हमने पढ़ा होगा, रेडिएट करना यानी कि बाहर फैलाना या उसका यूज़ लेना, वो हम कैसे लेंगे। यहाँ पर हमने एक कूलेंट यूज़ किया। कूलेंट क्या हो सकता है, जनरली हम सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम यूज़ होता है, तो सोडियम हम लिक्विड सोडियम मेटल हम यूज़ करेंगे, और इसके थ्रू कूलेंट गुजरेगा। और कूलेंट क्योंकि यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्टर से काफ़ी गर्म हो चुका होगा, तो जब यहाँ से पास हो रहा होगा, तो इस वेसल में, जिसको कि हीट एक्सचेंजर कहते हैं, हीट का एक्सचेंज करने वाला वेसल होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर जो भी पानी आपका भरा होगा, जो रेड कलर से डॉटेड लाइंस में दिखाया है, ये पानी दिखाया है, तो ये जो भी पानी है नॉर्मल टेम्परेचर का, ये इस सोडियम की हीट से गर्म होकर के इवेपोरेट होगा। ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट होगा, और फिर वही स्टीम आपका अगेन द सेम प्रोसेस गेट्स रिपीटेड, ये वेल्व में जाएगी, वेल्व्स की ओपनिंग से हम टर्बाइन को कंट्रोल करेंगे, टर्बाइन से जनरेटर, एंड देन अगेन हमें सप्लाई मिलेगी। ठीक, सेम चीज़ आती है टर्बाइन से, जो स्टीम गिरेगी कंडेंसर में, कंडेंसर का काम अगेन उस स्टीम को ठंडा करना विद द हेल्प ऑफ वाटर विच इज़ गिवन फ्रॉम द कूलिंग टावर। ठीक है, कूलिंग टावर से जो पानी मिल रहा है, उसकी हेल्प से कंडेंसर में जो स्टीम है उसको हमने ठंडा किया, एंड दिस साइकिल्स गेट रिपीटेड। ठीक है, ये साइकिल हमारी रिपीट होती रहेगी, एंड देन यहाँ पर रिजर्वॉयर है जिससे कि हम कूलिंग टावर के लिए पानी ले रहे हैं। ठीक है, और इसी से ही हम पानी भी ले रहे हैं, अब ये कंडेंसर से ही पानी दिखा रहा है, इसके अंदर जा रहा है। ठीक, तो ये साइकिल एक कंप्लीट चलती रहती है। ठीक है, यहाँ से स्टीम बनी, यहाँ से गई, मैं आपको साइकिल बना करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इसने पानी लिया, कंडेंसर में आया, कंडेंसर से पानी होता 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 आपका इसमें आया हीट एक्सचेंजर में, यहाँ पे गर्म हुआ, स्टीम बन करके यहाँ से वेल्व से टरबाइन पे गया, वापस ये कंडेंसर में गिरा, और कंडेंसर में गिरने के बाद फिर ये कूलिंग टावर से पानी ठंडा हुआ, और फिर ये पानी वापस से रिजर्वायर में गया। तो ये कम्प्लीट साइकिल एक हो गई, वाटर साइकिल हमारी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसमें हमें एडिशनली कुछ पढ़ना नहीं है। ये बेसिक आइडिया हो गया हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। इन सब की डेफिनेशंस नॉर्मल सी है, मैंने अपने कॉमन वर्ड्स में समझा दिया, इसकी डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर ये जो आपका कूलेंट है, इसको वापस भी तो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में आना है। ठीक है, तो उसके लिए हीट एक्सचेंजर से
जब ये हीट को ट्रांसफ़र कर चुका होगा, स्टीम बना चुका होगा, उसके बाद ये साइकिल कंप्लीट होते 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 यहाँ आएगी। ये पंप है बेसिकली कूलेंट को वापस से न्यूक्लियर रिएक्टर में डालने के लिए, ठीक है। तो इस पंप का काम क्या होगा, कूलेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ से, और ये एफ जो लिख रखा है, ये एफ बेसिकली फ़िल्टर है यहाँ, यहाँ पर या तो फिल्टर इसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी हम यहाँ पर हीटर भी यूज़ कर लेते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू मेक दिस कूलेंट अ लिटिल वार्म सो दैट इट कैन एंटर न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। ये टोटल प्रोसेस है एंड थैंक यू सो मच।